गोरखनाथ मंदिर स्थित भीम सरोवर पर मां गंगा के अवतरण दिवस के अवसर पर भारतीय संस्कृति रक्षा परिषद द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती से पूर्व मां भगवती गंगा के मंदिर में व सरोवर के समीप गंगा जी का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन हुआ। गोरखनाथ मंदिर के कार्यालय प्रमुख द्वारका तिवारी, परिषद के अध्यक्ष पुष्पदंत जैन, मंत्री विकास जालान, जितेंद्र देव उपाध्याय ने पूजन का कार्यक्रम आचार्य नित्यानंद तिवारी के आचार्यत्व में संपन्न किया। महाआरती के पश्चात द्वारका तिवारी ने कहा कि भगवती गंगा हम सब की माँ है। आज हम लोग माँ गंगा के अवतरण दिवस पर केवल पूजन ही नहीं करेंगे, यह संकल्प भी लेंगे कि गंगा ही नहीं सभी नदियों के प्रति हम मातृभाव रखते हुए अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उन्हें प्रदूषित नहीं होने देंगे। वर्तमान समय में जल का संकट पृथ्वी पर चारों तरफ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में यदि नदियों के प्रति श्रद्धा रखते हुए हम पूजन अर्चन करें तो माँ गंगा के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होगी। इस कार्यक्रम में गंगा दशहरा का महत्व बताते हुए पुष्पदंत जैन ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी संवत्सर का मुख माना जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार हस्त्र नक्षत्र में मां भगवती गंगा का अवतरण सर्वप्रथम मृत्युलोक में हुआ था। इस उपलक्ष्य में गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान, ध्यान, पूजन अर्चन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि जहाँ गंगा की सुलभ नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब में जाकर माँ गंगा का स्मरण करते हुए स्नान ध्यान करने से गंगा जी में स्नान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। कार्यक्रम समापन विकास जालान ने सभी अतिथियों, मीडिया व पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर योगी कमलनाथ जी, पुष्पदंत जैन, विकास जालान, जितेंद्र देव उपाध्याय, नवोदित त्रिपाठी, अनुराग गुप्ता, देवी कुमार, विनय कुमार गौतम, पशुपतिनाथ तिवारी, आनंद गुप्ता सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।